न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस आपको आज दिखा रहा है। पांच राज्यों का चुनाव जो हो चुका है उसके बाद चार राज्यों का एक प्रिडिक्शन। एग्जिट पोल का दिन है। जल्दी से आपको छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश का सीटों का भी आंकड़ा दिखा देते हैं। पहले वोट शेयर एक बार याद दिला दूं, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया बीजेपी देखिए 45% वोट लेगी, 45%, और कांग्रेस रह गई 38% पर। इसमें प्लस माइनस 3 कर लीजिए, 17% वोट अदर्स को जा रहा है, जिसमें इंडिपेंडेंस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी है, और भी बहुत सारे छोटे दल हैं जो मध्य प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन 45% वोट शेयर का मतलब मध्य प्रदेश में आप अंदाजा लगा सकते हैं शिवराज सिंह एक बार फिर कितनी बड़ी जीत की तरफ यहां बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा सीटें भी देख लीजिए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस कह रहा है बीजेपी को 151 सीटें मिल सकती हैं, 151 प्लस माइनस 12। अगर 150 सीटें 230 में से बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिल रही हैं, इसे एक बहुत बड़ी जीत कहा जाएगा। और बड़ी जीत इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि इस बार सारे विश्लेषक, सारे ओपिनियन पोल कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है और कांग्रेस को एज है, कांग्रेस आगे है। ऐसे में अगर जरा सोचिए, बीजेपी ने शिवराज सिंह को सीएम के तौर पर आगे भी नहीं किया, यह वादा भी नहीं किया जनता से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कि सीएम शिवराज को दोबारा सीएम बनाएंगे, उसके बावजूद 151 सीटों के साथ हमारे स्टेट एनालिसिस में बीजेपी मध्य प्रदेश जीतती हुई दिखाई दे रही है। और वो कमलनाथ जो कि पिछले चुनाव में अपने चेहरे पर, अपने दम पर शिवराज सिंह को पटखनी देकर मुख्यमंत्री बने थे 1.5 साल के लिए, 74 सीटों पर रह जाएंगे। 151 और 74, सुकेश ये तो वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। जैसा मैंने पहले कहा, सब कह रहे थे क्लोज कॉन्टेस्ट, 150 सीटें। सिर्फ क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं, क्लोज कॉन्टेस्ट, कांग्रेस आगे, कांग्रेस को एज है। हाँ, और उसमें अगर इनकमबेंट गवर्नमेंट 151 प्लस माइनस 12 से जीत रही है